हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिथुन कॉलेज के बारे में। और फाइनली यहाँ पे स्टैंड अलोन मोड का एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है, और आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कोर्सेज क्या है, जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल है हम लोग बात करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर होगा, कोर्सेज के बारे में कवर किया जाएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और जो प्रोसीजर रहेगा कैसे आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर, वहीं पर चल के हम लोग पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। तो कॉलेज के वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर लेना बिथुन कॉलेज कोलकाता। ठीक है, वहीं पे सर्च करने के बाद सीधे आप ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो नीचे आने के बाद कॉलेज नोटिस आपको दिखेगा। तो आप कॉलेज नोटिस में 5 तारीख का जो नोटिस है वही नोटिस को आप देखोगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका स्टैंड अलोन मोड का एडमिशन है 7 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और कल से आपका जो एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे आप पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगे, फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, तो यहाँ पे आपको साइट दिया गया है www.bithunadmissions.ac.in। यहीं पे आप क्लिक करोगे, आप ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे, यानी एडमिशन का पोर्टल पे चले जाओगे। आपके लिए एक अलग से पोर्टल को बनाया गया है और उस पोर्टल पे आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे वो वाले वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा आपका पोर्टल दिखेगा, ऑनलाइन एडमिशन 2024-2025। तो एडमिशन टू 5 ईयर BA/BSc ऑनर्स डिग्री कोर्स विद और विदाउट रिसर्च अंडर CCF 2022 अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो BA/BSc यहाँ पे कोर्सेस ऑफर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो दो आपका दिया गया है, बॉक्स बनाया गया है। एक तो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, यहीं पे आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट हो गया, कोर्सेस हो गया, फीस हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और भी आपके लिए जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिलेगा। तो इसलिए आप ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए, यहीं पे आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद हम लोग चलेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे को डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, कोर्सेज है, फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आपको वेबसाइट पर लेके चलेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है वो हम बता देंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपका जैसे ही क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रख लेना है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म जो स्टार्ट हुआ कल 7 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो चलेगा 11 सितंबर रात के 11:59 PM तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, यानी अप्लीकेशन फीस आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, और जो एडमिशन का प्रोसेस होगा टोटली ऑनलाइन होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे BA/BSc जैसे कोर्सेस है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो एडमिशन होगा टोटली मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, और जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, मान लीजिए जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए, टोटली आपका ऑनलाइन होगा, कोई फिजिकली आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, टोटली ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये भी एज पर गवर्नमेंट अंडर नो अप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई द अप्लीकेंट्स, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो ये आया था गाइडलाइन आया था तो उसमें बताया गया था कि कोई आपसे एप्लीकेशन फ़ीस ना लिया जाए, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई आपसे फ़ीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफ़िल कीजिएगा। ठीक है, और तभी आप अप्लाई कीजिएगा। ये भी ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना एक्टिव दीजिएगा, जो अभी करंट में आपका चल रहा हो अपना दीजिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वहीं पर आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, कॉलेज की तरफ से। और जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसी से आप लॉगिन वगैरह करोगे तो वो फॉर्म फिलअप वाले में आप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे हम लोग आ जाते हैं आपके लिए। ये भी ध्यान रखिए कि जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए। ठीक है, और 100 नंबर का
पेपर दिए रहोगे मैक्सिमम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप। अब हम लोग नीचे चलते हैं, बाकी इसको पढ़ना होगा तो आप अच्छे से फॉर्म फिलअप मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको ये यहाँ पे हॉस्टल से रिलेटेड बात किया गया है, तो इन्होंने हॉस्टल के बारे में बताया है कि जो हॉस्टल होगा आपका करुणा मोए सॉल्ट लेक में अवेलेबल है, ठीक है, और मतलब जो भी आउटसाइडर है उनके लिए रहता है मेनली। और रजिस्ट्रेशन फीस हॉस्टल का 1000 लगेगा, और जो मंथली रहेगा आपका उसमें क्या रहेगा कि लॉजिंग रहेगा आपका मंथली, मंथली आपका हॉस्टल फीस लॉजिंग जो भी मील्स वगैरह रहेगा 5200 रुपीज़ आपको देना होगा। ये हॉस्टल से रिलेटेड है, बाकी ये रिजर्वेशन है ओबीसी ए ओबीसी बी एससी एसटी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले के लिए रिजर्वेशन भी रहता है। अब आइए फॉर्म फिलअप करते टाइम ये आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए 20 से 50 kb में, सिग्नेचर रहना चाहिए 20 से 50 kb में, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट क्लास टेंथ का एडमिट कार्ड आप देख सकते हो 100 से 150 kb में, क्लास टेंथ का मार्कशीट रहना चाहिए 100 से 150 kb में, क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट रहना चाहिए 100 से 150 kb में, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट से अगर अप्लाई कर रहे हो कास्ट मतलब कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी से अप्लाई करोगे तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और सीटें कितनी है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बंगाली ऑनर्स के लिए टोटल 46 है, इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है 56 है। आपको कोर्स पता चल जा रहा है, सीटों की संख्या पता चल जा रहा है। हिस्ट्री ऑनर्स में 46 सीटें हैं, फिलोसफी के लिए 46 है। आप कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप देख सकते हो कॉलम में, पॉलिटिकल साइंस के लिए 46 है, संस्कृत के लिए 49, हिंदी के लिए 24, साइकोलॉजी के लिए 27, इकोनॉमिक्स के लिए 10 है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बीएससी के कोर्सेज में, इससे पहले आपने बीए का जाना, बीएससी के लिए बॉटनी में 44 सीटें, केमिस्ट्री के लिए 46, कंप्यूटर साइंस के लिए 28, इकोनॉमिक्स के लिए 34, मैथमेटिक्स के लिए 44, फिजिक्स के लिए 44, जूलॉजी के लिए 44, साइकोलॉजी के लिए 22, स्टैटिक्स के लिए 22। ये आपका सीटों की संख्या हो गया, कोर्सेस हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम बनाया गया, जैसे कि ये फर्स्ट में आपका बंगाली है, और क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट आपका कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपके पास बंगाली अगर अप्लाई कर रहे हो तो बंगाली या इंग्लिश में से कोई सब्जेक्ट रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये दोनों सब्जेक्ट चाहिए, सॉरी यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और लिखा रहा था तो वो एक लेना था, पर यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट चाहिए। अगर बंगाली में अगर अप्लाई करो तो बंगाली और इंग्लिश आपके पास रहना चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। एग्रीगेट यानी क्लास ट्वेल्थ में परसेंटेज 55 और बंगाली में 60% और इंग्लिश में 50% रहेगा तब आप एलिजिबल होंगे। और कैसे आपका मतलब मेरिट बनेगा, तो एग्रीगेट परसेंटेज प्लस बंगाली का जो भी परसेंटेज है तो वो लोग 2:2 करके ये बना लेंगे मेरिट, ठीक है। इंग्लिश के आप देख सकते हो, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, एग्रीगेट 75 और सब्जेक्ट इंग्लिश में 85% आपका रहना चाहिए, ठीक है। और आप एग्रीगेट प्लस 2 इंग्लिश परसेंटेज को ये लोग कर लेंगे, यानी 2:2 मेरे हिसाब से ये इनका कहना है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए देख सकते हो, इंग्लिश एज ए कंपलसरी रहना चाहिए 50% और आपके क्लास ट्वेल्थ में, और इंग्लिश में 50% रहना चाहिए। फिलोसफी का आप देख लो, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप समझ लो कैसे मेरिट बनेगा, लास्ट वाला कॉलम देखो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का आप देख सकते हो, साइकोलॉजी का आप देख लो, ठीक है, संस्कृत का आप देखो, हिंदी का आप देख लो, बॉटनी का आप देख सकते हो क्या क्या रिक्वायर्ड है। जहाँ पे ये स्लैश दिया गया इसमें से कोई एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे बॉटनी में, बॉटनी के लिए बॉटनी या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपका केमिस्ट्री और इंग्लिश रहना चाहिए 60% क्लास ट्वेल्थ में, बॉटनी या बायोलॉजी में 65%, केमिस्ट्री में 55%, इंग्लिश में 50% रहेगा तब एलिजिबल हो। कैसे बनेगा, एग्रीगेट प्लस 2:2 बॉटनी या बायोलॉजी परसेंटेज विच एवर इज़ हायर, जो हायर होगा अगर मान लीजिए दोनों सब्जेक्ट आपके पास है तो, प्लस केमिस्ट्री का परसेंटेज ये लोग ऐड करेंगे। केमिस्ट्री का आप देख लो, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब सबका बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है आपको समझने के लिए। फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिक्स, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एससी एसटी ओबीसी है ओबीसी भी वालों के लिए, ठीक है, आपका ऑल ऑनर सब्जेक्ट सेम एज एबव रहेगा, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट रिक्वायर रहेगा। बाकी आप देख सकते हो 40% एग्रीगेट रहना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है एज ए कैटेगरी स्टूडेंट, और 40% जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें, और जो भी इंडेक्स है वही सेम रहेगा, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटीज जहाँ पे भी नहीं समझ में आए आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है।
अब आइए नीचे, नीचे आपके लिए यही मतलब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। और ये आपका फीस रहेगा इंक्लूडिंग 4 मंथ ट्यूशन फीस, ये 4 महीने का रहेगा आपका फीस, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे बीए ऑनर्स का जो फीस रहेगा, जो भी आपका ऑनर्स कोर्सेस है साइकोलॉजी के छोड़ के, मेजर और माइनर जो भी सब्जेक्ट है उसको छोड़ के, बाकी जितने भी हैं 2031 देना होगा, बाकी साइकोलॉजी के लिए 2046 देना होगा, ठीक है। उसके बाद बीएससी के लिए आप देख सकते हो देना पड़ेगा 2291। उसके जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी साइकोलॉजी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स एंड बीएससी ऑनर्स ये आपका रहेगा, ठीक है। तो होप ये फीस से रिलेटेड आपका समझ में आ चुका है, ठीक है। बाकी ये एड ऑन कोर्सेस है तो आप अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा, बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्म को। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन 2024 पे आपको क्लिक करना है। वेबसाइट पे कैसे आना मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वैसे ही आप आ जाओगे, ठीक है। अब नीचे आप आओगे डायरेक्ट, डायरेक्ट नीचे आने का यहाँ पे देख लीजिए आपका डेट एक यहाँ पे नीचे दिखा रहा है आपका 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 11 सितंबर तक आपका चलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ न्यू एप्लीकेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये साइड सेम आपका जो लेडी ब्रेबोन कॉलेज का है और मौलाना आज़ाद कॉलेज का मैंने बताया था सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, फिर यहाँ पे टिक कर लीजिएगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने पे यहाँ पे आपको 5 स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। पहला फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा स्टेप सेलेक्ट कोर्स एंड सब्जेक्ट करना होगा, तीसरा अपलोड आपका जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वहाँ पे अपलोड करना होगा, जैसे मैंने पहले बताया जो भी आपका ब्रोशर में था। उसके बाद चेक एंड कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला होगा। उसके बाद कन्फर्म करने के बाद आप अपना प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सबमिट। यहीं से आपको अप्लाई नाउ करके जो भी आपका 5 स्टेप है उसको कंप्लीट कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। और अगर जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है बोलना आप, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो बता दूंगा। हालांकि जो कैंडिडेट लेडी ब्रेबोन कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वाला वीडियो देखा है ना, वही सेम है, बस आपका कॉलेज अलग अलग है, बाकी पोर्टल्स आपका सेम है। डिटेल आपका हो सकता है कुछ अलग मांगा जाए तो बोलना आप, स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं बता दूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, और वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो बोलना मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए यही था, बाकी आप चैनल पर बने रह सकते हो, आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा एफर्ट्स आपको थोड़ा सा भी सही लगे तो डेफिनेटली आप एक सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है, और जो भी मेरे पास जो भी टाइम रहता है उस टाइम के अंदर में मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए यही था, बाकी कहीं पर भी डाउट हो डेफिनेटली पूछिए, ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।